नमस्कार दोस्तों, बेच खजाने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे गिलकी के छिलके की सब्जी के बारे में। अभी तक आपने गिलकी के छिलके उतार कर फेंके होंगे, लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप गिलकी के छिलकों को फेंकेंगे नहीं। तो चलिए जानते हैं गिलकी के छिलके का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेकर, जितने हमारे छिलके हों उसके अकॉर्डिंग हम तेल ले लें, और इसमें लहसुन और खड़ी मिर्च का तड़का लगा दें। जीरा और कोई मसाला कुछ भी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ लहसुन और खड़ी मिर्च का तड़का। जब ये तड़का अच्छे से चटक जाए, पक जाए, तो हमारी जो छिलके हैं गिलकी के वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको पका लेंगे। गिलकी के छिलकों को थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट के लिए इनको पका लेंगे और हमारे छिलकों की एक बेहतरीन, पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आप एक बार इसको खा लेंगे ना दोस्तों, यकीन मानिए, आप बार बार जब भी आपके घर गिलकी बनेंगी तो आप इस प्रकार से छिलकों की सब्जी बनाकर जरूर खाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके लिए गिलकियाँ नर्म हों, ताज़ी हों, तभी ये गिलकी छिलकों की सब्जी अच्छी लगती है।